प्राकृतिक गैस की कीमतों में 18% की बढ़त के साथ देश में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़त का सिलसिला जारी है। इस बार की मार दिल्ली वासियों के किचन पर पड़ी है। आईजीएल ने आज जानकारी दी है कि उसने पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की है। पीएनजी के लिए अब लोगों को 2.63 रुपए प्रति यूनिट ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। बढ़त के बाद दिल्ली में पीएनजी के भाव 50 रुपए प्रति एससीएम के पार पहुंच गए हैं। 2 सप्ताह से भी कम समय में पीएनजी के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति करने वाली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कहा है कि दिल्ली में पीएनजी का दाम अब 50.59 रुपए प्रति घन मीटर होगा। अब तक ये बता दें कि 47.96 रुपए प्रति इकाई था। वहीं आईजीएल ने ट्वीट कर के ये भी कहा है कि इस बढ़ोतरी से गैस की उत्पादन लागत में बढ़ोतरी की आंशिक भरपाई हो पाएगी। इससे पहले 26 जुलाई को पीएनजी के दाम 2.1 रुपए प्रति इकाई बढ़ाए गए थे। उल्लेखनीय है कि सरकार ने बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए महंगी आयातित एलएनजी के इस्तेमाल को जरूरी कर दिया है। इसके चलते गैस के दाम बढ़े हैं। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गैल शहर गैस वितरकों को आपूर्ति से पहले स्थानीय स्तर पर उत्पादित और आयातित गैस के औसत के हिसाब से दरें तय करती है। वहीं आईजीएल ने सीएनजी के दाम नहीं बढ़ाए हैं। सीएनजी का दाम 75.61 रुपए प्रति किलोग्राम पर कायम रखा गया है। आईजीएल ने कहा है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में अब पीएनजी का दाम 50.46 रुपए प्रति घन मीटर हो गया है। वहीं गुरुग्राम में ये 48.79 रुपए प्रति यूनिट हो गया है। देश के अन्य शहरों में भी पीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। मुंबई में महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी का दाम 6 रुपए प्रति किलोग्राम और पीएनजी का 4 रुपए प्रति इकाई बढ़ाया है। वहीं एमजीएल ने बयान में कहा कि गैस की उत्पादन लागत में बढ़ोतरी की वजह से हमें भी दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। वहीं सीएनजी का खुदरा दाम बढ़कर लगभग 85 रुपए से ज्यादा प्रति किलोग्राम और पीएनजी का 52.50 रुपए प्रति किलोग्राम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।